wild shit. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा का रिव्यूज़। उम्मीद है आप सब लोग होंगे खैरियत से। व्यूअर्स, आज मैं किसी गाड़ी का रिव्यू लेके नहीं आया, बल्कि जो पाक सुजुकी कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफ़ा किया है उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए मज़ीद वक्त ज़ाया किए बग़ैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गाड़ियों की कीमतों में अगर इजाफ़ा हुआ है तो कितना इजाफ़ा हुआ है। तमाम गाड़ियों की कीमतों में तकरीबन 7% का इजाफ़ा किया गया है। सुजुकी रावी जो कि आपको अब 9,99,000 में मिलेगी, इसमें 58,000 रुपीज़ का इजाफ़ा किया है। बुलान की बात करें तो ये अब आपको 10,99,000 का मिलेगा, जिसमें तकरीबन 49,000 रुपीज़ का इजाफ़ा किया गया है। बुलान कार्गो भी इस तरह आपको अब 10,40,000 रुपये में मिलेगा, जिसमें तकरीबन 50,000 रुपये का इजाफ़ा किया गया है। वैगन आर वी एक्स आर की बात करें तो ये अब आपको 16,05,000 में मिलेगी, जिसमें तकरीबन 65,000 रुपये का इजाफ़ा किया गया है। वैगन आर वी एक्स एल की बात करें तो ये अब आपको 16,95,000 रुपीज़ में मिलेगी, जिसमें तकरीबन 70,000 रुपये का इजाफ़ा किया गया है। आल्टो वी एक्स आर की बात करें तो ये अब आपको 13,98,000 रुपीज़ में मिलेगी, जिसमें तकरीबन 90,000 रुपये का इजाफ़ा किया गया है। इसके अलावा हम आल्टो वी एक्स आर की बात करें तो आल्टो वी एक्स आर अब आपको मिलेगी 13,98,000 रुपीज़ में, जिसमें तकरीबन 90,000 रुपये का इजाफ़ा किया है। इसी तरह आल्टो वी एक्स एल ए जी एस भी अब आपको 15,98,000 रुपीज़ में मिलेगी, जिसमें तकरीबन 80,000 रुपये का इजाफ़ा किया है। स्विफ्ट डी एल एक्स अब आपको मिलेगी 19,95,000 रुपीज़ में, इसमें भी 90,000 रुपये का इजाफ़ा किया है। और स्विफ्ट ऑटोमेटिक अब आपको मिलेगी 21,40,000 रुपये की, जिसमें तकरीबन 90,000 रुपये का इजाफ़ा किया है। तमाम गाड़ियों की कीमतों में तकरीबन 7% का इजाफ़ा किया है। अगर हम कल्टस की बात करें तो इस फ़िलहाल इन्होंने कल्टस की कीमत नहीं बढ़ाई। कंपनी ने अपनी गाड़ियों की तमाम गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं, मगर ये बात समझ नहीं आती कि डॉलर भी अपनी जगह पर मौजूद है, महंगाई भी उसी तरह है, मगर कंपनी की जो गाड़ियां हैं उनकी प्राइसेस में दिन ब दिन इजाफ़ा क्यों हुआ जा रहा है। तो ये हुई आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शेयर ज़रूर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी अवेयरनेस हो कि कंपनी वाले आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।